नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.3, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ... ऐसी संख्याओं का हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रूव कीजिए कि अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से अंडर रूट 5 हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा, अंडर रूट 11 हो जाएगा। तो आज हम जिक्र करेंगे इस थ्योरम का, और केवल एक ही थ्योरम की हेल्प से जितने भी सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं हमें उनको करने में आसानी होगी। आइए चेक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रूव करना है इसको, और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जो मैं कंडीशन यहाँ प्रूव कराऊंगा उस कंडीशन के हिसाब से केवल आपको डिजिट को बदल देना है, बाकी टोटल इसी थ्योरम का यूज करना है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए थोड़ा साइड में आप समझ लें कंडीशन है इसकी, और कंडीशन क्या है, इफ पी इज प्राइम, इफ पी इज प्राइम। क्या कंडीशन है कि अगर पी जो नंबर आपको दे रखा है वो कैसा है, प्राइम है, और प्राइम तो आप जानते हैं ऐसा नंबर जिसमें या तो अपने आप से डिवाइड जाता हो या केवल वन से डिवाइड जाता हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो कंडीशन क्या है, इसको जब प्रूव करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि अगर पी को किसी ने बता दिया कि प्राइम नंबर है, अगर पी प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन में अगर हम ये कहें, क्या कहें कि इफ कि पी जो प्राइम नंबर है इज डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ये किसी नंबर को डिवाइड करता हो, कौन, पी, तो फिर पी जो है इज डिवाइड्स ए। अगर पी कैसा है, प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, अगर पी प्राइम नंबर कहीं भी आता है और उसमें पी किसी नंबर को ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर इसका मतलब यह है कि पी इसको भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर ए स्क्वायर में पी से डिवाइड चला जाता है तो फिर ए में भी 100% पी से डिवाइड चला जाएगा, यदि कब, जब पी हमारा कैसा हो, प्राइम हो। जैसे एग्जांपल के लिए पी कौन होना चाहिए, प्राइम, मैंने कहा कि 3 है, 3 इज डिवाइड्स, मैंने लिख दिया 3 इज डिवाइड, 3 डिवाइड्स करता है किसको करता है, मैं लिख दूं यहां 6 का स्क्वायर चलेगा, कि 3 का डिवाइड 6 स्क्वायर में लगाओगे तो आसानी चला जाएगा, क्यों कि 6 6 जा कितना हो गया 36, और 36 में डिवाइड चला जाता है आसानी से 12 बार। तो उसने क्या कहा कि अगर ये प्राइम है और इस ए स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि 3 जो होगा इज ऑल्सो डिवाइड्स 6 ए। भाई एक ही जगह कौन है, 6, समझ रहे हैं ना, एक ही जगह कौन है, 6, कि अगर 3 का डिवाइड ए के स्क्वायर में जाता है तो फिर कंडीशन क्या बताई, तो फिर 3 इज ऑल्सो डिवाइड 6, 3 6 को 100% डिवाइड करेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 अगर डिवाइड करता हो किसको, मैं कह दूं 4 का स्क्वायर, तो ये कंफर्म है कि 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, 4 को, लेकिन ये कब डिवाइड करेगा, जब पी कैसा हो, एक प्राइम नंबर हो तब। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो देखिएगा, इसी की हेल्प से अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करना होता है, उसने कहा कि इफ पी इज प्राइम, के अगर प्राइम है पी तो, अगर पी प्राइम है तो फिर क्या है, प्रूव कीजिए अंडर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट पी कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहां कि लेट, हमने मान लिया कि जिसको प्रूव कर रहे हैं अंडर रूट पी इज ए रेशनल नंबर, हमने क्या मान लिया कि ये रेशनल है,
पी कौन है, रेशनल है, और अगर रेशनल है तो रेशनल को तो हम जानते हैं, रेशनल क्या होता है, ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो लेकिन वहां पर क्यू जो डिनोमिनेटर है वो कैसा हो, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये ऐसा है तो फिर हम लिखेंगे कि अंडर रूट पी कैसा होगा, रेशनल है तो फिर वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। अंडर रूट पी कैसा होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, और लिख देंगे जहां ए कैसा, ए एंड बी आर कोप्राइम। ए एंड बी कौन है, कोप्राइम। अब ये कोप्राइम क्या होता है, इस कोप्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ बनाए। इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू वन। इस कोप्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालें तो वन आए, या फिर अगर हम इन दोनों में डिवाइड करें तो डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए टू एंड थ्री कैसे हैं, दोनों के दोनों प्राइम है, क्योंकि इसका इसका अगर एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, वन आएगा और डिवाइड भी नहीं आ रहा। इसका मतलब टू और थ्री में सिवाय वन के कोई और फैक्टर ना हो, इसको हम क्या कहेंगे, कोप्राइम। तो हमने क्या कहा कि अंडर रूट पी कैसा है, ए अपॉन बी की फॉर्म में है। ए अपॉन बी की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, हमने मान के चले हैं कि अंडर रूट पी जो होगा हमारा वो कैसा होगा, रेशनल होगा। अगर रेशनल है तो हमेशा रेशनल नंबर कैसा होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो हमने लिख लिया कि अंडर रूट पी इक्वल टू ए अपॉन वी, और वहां पर ए और वी को क्या बताया, को प्राइम नंबर। अब आइए कैसे करते हैं इसका, अगर हम क्रॉस इंटू करें तो हमारे पास हो जाएगा ए इक्वल टू बी इंटू अंडर रूट पी। मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया इसका, ए बन जा ए और बी अंडर रूट पी। इसके बाद में क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ए का स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, सॉरी ये पी है, अंडर रूट में पी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर पी। और अगर यहां देखा जाए तो इसको नाम दे लो आप फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू कैसा हो गया, ए स्क्वायर अपॉन पी। इसका मतलब पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड देता है तो फिर अभी कंडीशन बताई थी यहां पर कि P कौन है, प्राइम है, प्राइम है, और P का डिवाइड ए स्क्वायर में जाता है, तो फिर P A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब लिख देंगे तो देन P डिवाइड्स A, क्यों, बिकॉज P इज प्राइम, P कैसा है, प्राइम है। हमने यहां पर इस कंडीशन को लिख दिया, इसका मतलब अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि P में अगर मैं डिवाइड, इसका मींस क्या हो गया कि P डिवाइड्स करता है A को, इसका मतलब A को कौन डिवाइड करता है, P। और जब A में P का डिवाइड लगाएंगे तो कुछ तो आएगा, उसने कहा कि डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करना यहाँ डिवाइड बोला गया है, वरना डिवाइड तो यहां भी कर रहा है, लेकिन यहां पर डिवाइड हो नहीं सकता। कैसा आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर में डिवाइड जब लगाते हैं तो हमेशा रिजल्ट हमें डेसिमल में मिलता है। इसका मतलब a अपॉन p, ये p कैसा है, डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो डेसिमल तो आएगा ही नहीं। तो a अपॉन p मतलब a में डिवाइड लगाया p का तो कुछ तो मिलेगा इक्वल में, तो मान लेते हैं कि a में डिवाइड लगाया p का तो क्या मिल गया, c मिल गया। अगर ऐसा है तो फिर मैं यहां लिख दूं, क्या लिख दूं, क्रॉस इंटू कर दूं, तो फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, pc। और इस a इक्वल टू pc को उठा के पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, हम लिख देंगे पुट इन फर्स्ट, इस ए इक्वल टू पी सी को कहां पुट करेंगे, वन में करेंगे। देखिएगा ए का स्क्वायर बोले तो पी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है, बी स्क्वायर पी। इसका मतलब यहां अगर चेक करें तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पी, और देखो एक पी से ये पी कैंसिल। इसका मतलब यहां कौन है, सी स्क्वायर, वहां कौन है, बी स्क्वायर, और अपॉन में कौन चला गया, p। इसका मतलब c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन p। तो इस कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूं कि p डिवाइड किसको, बी स्क्वायर को।
इसका मतलब क्या लिखेंगे यहां पे, पी डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर पी डिवाइड्स करता है बी स्क्वायर को तो पी कौन है, पी तो प्राइम है, और अगर प्राइम है तो कंडीशन यहां बताई थी, वो कंडीशन क्या थी कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर पी ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब पी ऑल्सो डिवाइड्स बी, और अगर पी डिवाइड करता है किसको, बी को, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब हो गया क्या कि बी में डिवाइड जाता है किससे, पी से, और अगर बी में डिवाइड जाता है सी से तो इसका मतलब क्या हो गया, बी में जा रहा है पी से, तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा तो क्या मान लिया हमने, बी अपॉन पी, इसको यही रहने देते हैं, एक काम कर लेते हैं यहां लिख देते हैं कि अगर डिवाइड जा रहा है तो लिख देंगे देयरफॉर पी इज ए फैक्टर ऑफ ए, पी इज ए फैक्टर ऑफ ए, भाई अगर ए में पी से डिवाइड जा रहा है इसका मतलब क्या है कि पी कैसा है, फैक्टर है, फैक्टर होता तभी तो डिवाइड जाता है, तो ऐसे यहां तो लिख देंगे अगर पी इज ऑल्सो डिवाइड पी बी, इसका मतलब क्या हो गया, यहां लिख देंगे देयरफॉर P इज ए फैक्टर ऑफ B, यहां A का फैक्टर P है, यहां B का फैक्टर P है, जबकि A और B का तो केवल एक ही फैक्टर आ रहा था, कौन, वन। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत किया था, भाई मान के चले कि ये को प्राइम है और ये तो को प्राइम आ ही नहीं रहे, अदर देन फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब हम फाइनली लिख देंगे देयरफॉर, यहां पर जो कंडीशन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं यहां लिखाता हूं लास्ट वाली स्टेटमेंट जो हमें लिखनी होती है, उसके बिना हमें नंबर नहीं मिलता, वो मेन रीजन होता है इसको समझाने का कि हमने जो माना था वो कैसा था, गलत था। गलत क्यों था, क्योंकि ए और बी कैसा था, को प्राइम था, उसके बीच केवल फैक्टर कौन आ रहा था, वन, जबकि यहां हमने देखा ए का फैक्टर पी है, यहां बी का फैक्टर पी है, इसके फैक्टर अलग और अब वन के अलावा आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था, तो इसका मतलब क्या है कि जो अंडर रूट पी है वो इरेशनल ही होगा। आइए पहले नोट कर लीजिए इसको, इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद में हमें इस स्टेटमेंट को लिखना होता है, क्या है ये, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन ये इस बात का विरोध करता है, किस बात का विरोध करता है कि द फैक्ट दैट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, कि ए और बी केवल एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं रखता, इस बात का विरोध करता है, क्यों विरोध करता है कि यहां पर बोला गया था कि दोनों का एस या वन आएगा, या दोनों का फैक्टर केवल कौन है, वन है, और लेकिन यहां दोनों का फैक्टर आ रहा है अलग पी, इसका मतलब व्हाट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी, लेकिन ये इस बात का विरोध करता है, किस बात का विरोध करता है कि द फैक्ट दैट ए एंड बी के जो ए और बी था हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ये जो कॉमन फैक्टर रखता है वो एक के अलावा और रखता है, मतलब ये कह रहा ना हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इसका वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि जो हमने सोचा था ना कि वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं है वो गलत था, तो फिर इसका मतलब गलत था तो क्या था, कि लौट के आइए वहीं, सो देन क्या है कि अंडर रूट पी इज इरेशनल नंबर, कि अंडर रूट पी जो होगा वो हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं से इस थ्योरम को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, कि अंडर रूट टू को हमें रिप्रेजेंट करके बताना है कि ये इरेशनल होगा, तो हम कैसे करेंगे, आइए यहीं की बदल देते हैं, पी की जगह हमने अंडर रूट टू को लिखा, अंडर रूट टू यहां अंडर रूट टू, समझ रहे हैं ना, केवल पी की जगह कौन, अंडर रूट टू, क्योंकि टू कौन है, प्राइम है, टू कौन है, प्राइम है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पी, पी का मतलब क्या हो गया, टू डिवाइड किसको करता है, ए स्क्वायर को, तो फिर टू किसको डिवाइड करेगा, ए को, इसका मतलब ए अपॉन पी का मतलब ए अपॉन टू इक्वल टू क्या, सी, तो यहां से क्रॉस करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, टू इज फैक्टर ऑफ कौन, ए, अगर ऐसा है तो फिर टू इक्वल टू क्या, पी की जगह कौन, टू सी, तो ए की जगह टू सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू सी का होल स्क्वायर, टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर, यहाँ कौन, टू, पी की जगह कौन, टू,
टू से टू कैंसिल, समझ में आ रहा है ना, केवल पी की जगह टू, टू बार गया, इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन कौन टू, इसका मतलब टू किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को, तो फिर टू इज ऑल्सो डिवाइड बाई किसको, बी को, तो यहां लिख देंगे टू इज अ फैक्टर, टू इज फैक्टर ऑफ किसका, बी का, इसका मतलब व्हाट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो क्या है अंडर रूट टू, कैसा है अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप जितने भी एक जैसे क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट टू, टू अंडर रूट टू, फाइव अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट इलेवन, डॉट 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 सो ऑन। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करके चलता हूँ आप आसानी से कर सकते हैं, और बोर्ड में ये क्वेश्चन दो नंबर में या तीन नंबर में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए अपने अच्छे नंबर लाने के लिए इस टॉपिक को थोड़ा गंभीरता से पढ़ें, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और करने का प्रयास कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, उसके बाद मैं उसको अगली वीडियो में दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।